हमारे खून को क्लॉट से बचाने के लिए, खून को पतला करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में आती हैं। मैं बात कर रहा हूँ वारफरीन 5 mg के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है दिल के मरीजों में और जिनके ब्लड में थ्रोम्बस बन जाता है, आप कह सकते हैं खून का थक्का बन जाता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत आज बात करने वाला हूँ वारफरीन टैबलेट के बारे में, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किन किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और कितना करते हैं, कितना डोज दिया जाता है, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे दुष्परिणाम यानी कि साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद, और ये भी जानेंगे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हालांकि आपकी सावधानियां आपके डॉक्टर भी बरतेंगे, लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वारफरीन के बारे में। बात करें दोस्तों, ये जो आपकी वारफरीन है, इसको हम लोग जानते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग के नाम से, मतलब कि ये हमारे ब्लड में, खून में थक्का जमने से बचाता है। इसको कई लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये हमारे खून को पतला करता है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग बहुत सारी बीमारियों में, जैसे कि किसी को पल्मोनरी इम्बोलिज्म हुआ है। पल्मोनरी इम्बोलिज्म का मतलब कि हमारे जो फेफड़ों से आपकी जो है ब्लड वेसल जाती है, उसमें क्या होता है, खून का थक्का जम जाता है, जो कि आपको बहुत सीवियर समस्या कॉज कर सकता है। ये जो आपका इम्बुलस होता है यानी कि खून का थक्का होता है, अगर हमारे दिल में चला जाए तो हमको हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। ऐसे केस में भी हम इसको देते हैं। इसके अलावा हम ऐसे मरीजों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं जिनको पहले से ही दिल का दौरा पड़ा हो यानी कि हार्ट अटैक हुआ हो, और उनको ऐसे लोगों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिनको आपका स्ट्रोक यानी कि ब्रेन स्ट्रोक पड़ा हो, ऐसे लोग को भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये दोस्तों सक्षम है अगर किसी को आरटीएल फिब्रिलेशन हुआ है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो दिल की धड़कन होती है बहुत ज़्यादा होती है, 100 से लेकर 200 के बीच में जो है दिल की धड़कन है, जो हार्ट बीट है, ऐसे केस में भी हम वारफरीन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जिनकी कैंसर की दवाइयाँ चल रही होती हैं, ऐसे केस में क्या देखा जाता है, बहुत सारी कैंसर की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके खून के थक्के को बनाती है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वारफरीन का इस्तेमाल करना। ये जो वारफरीन है, ये आपकी बार बार होने वाली हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक से भी हमको बचाता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको DVT नाम की एक समस्या होती है, आपने सुना होगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्या होता है कि कई बार अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी तरीके की समस्या हो गई, ऑपरेशन हुआ है, लंबे समय तक आदमी बेड पे रहता है, ऐसे केस में क्या होता है कि पैर ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो वेन्स में थ्रोम्बस बन जाता है, और ये थ्रोम्बस अगर फेफड़े में आएगा तो आपका पल्मोनरी इम्बोलिज्म कॉज करता है, यही थ्रोम्बस आपके अगर दिल में चला गया है तो आपको हार्ट अटैक, और दिमाग में गया है तो आपका ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या कॉज कर सकता है। बात करेंगे आखिर कितना डोज डॉक्टर इसका शुरुआती तौर पर करते हैं और कितना जो है दिया जाता है। बात करेंगे दोस्तों आपकी वारफरीन की, तो इनिशियल डोज जो इसका होता है 1 से 2 mg से शुरुआत किया जाता है, लेकिन यही डोज अगर आपका इनिशियली मेंटेन हो जाता है तो मेंटेनेंस डोज के तौर पर आपका ये 5 से 10 mg भी डॉक्टर आपके दे सकते हैं। ये डोज आपका डिवाइडेड होता है, हो सकता है आपको सुबह शाम में आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, आपकी कंडीशन को देखते हुए ही दवा को चलाया जाता है। बात करेंगे कि अगर आप वारफरीन ले रहे हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वारफरीन आपके खून को पतला करती है, पतला करेगी तो हो सकता है कभी कभी इसके चक्कर में आपके नाक से खून आ जाए, हो सकता है कई बार ऐसा देखने को मिले आप ब्रश कर रहे होंगे मॉर्निंग में, आपके दांतों के, आपके गम्स के बीच से ब्लड आने लगे, ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस वारफरीन के चक्कर में। इसके अलावा कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आंखों के सामने धुंधलापन होना, सिर में हल्का फुल्का दर्द बना रहना, साथ ही साथ ऐसा लगना, पेट में आपके ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। और बात करें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सबसे पहले मन में जो सवाल आता है वो होता है प्रेगनेंसी में मैं बात करूँ,
स्पेशली अगर कोई महिला थर्ड ट्राइमेस्टर में है, मतलब कि आप कह सकते हैं छठवें महीने से लेकर नौवें महीने के बीच में प्रेगनेंसी है, तो ऐसे केस में अवॉइड करना चाहिए, ये दवा नहीं लेनी चाहिए। आपको अगर आप ऐसे कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को पूरी जानकारी दें ताकि डॉक्टर इसके अलावा दूसरी दवाइयां चला सकें। इसके अलावा वो लोग जिनकी किडनी या लीवर पहले से ही बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा समस्या है, ऐसे केस में आप अपने डॉक्टर को बताएं। साथ ही साथ ये दवा चलती है तो डॉक्टर हमेशा आपका पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, INR भी देखा जाता है, इस बेसिस पे आपका जो डोज है वो एडजस्ट होता रहता है। इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की कि वारफरिन टैबलेट कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, कोई मन में डाउट रह जाता है, आप कमेंट कर सकते हैं, विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर भी आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होना चाहें तो आप मेरे नीचे दिए गए हुए इंस्टाग्राम प्रोफाइल यानी कि डॉक्टर जयंत वेलनेस हब पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर पे। आपको उस पे भी 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में